अभिनेत्री नुसरत जहां जो अब टीएमसी की सांसद हैं, कुछ दिनों पहले संसद में मंगलसूत्र मांग में सिंदूर और हाथ में चूड़ा पहनकर आने की वजह से काफी चर्चा में आई थी। और लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल भी किया था और एक समुदाय ने तो इस पर जमकर बवाल भी किया था। लेकिन नुसरत जहां ने इन सब बातों को अनदेखा कर दिया था। हाल ही में नुसरत जहां का एक इंटरव्यू हुआ और उसमें उन्होंने ये बताया कि वो इस तरह से सच धज कर संसद क्यों पहुंची थी। उन्होंने कहा कि मेरी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और इस वजह से उन्होंने शपथ ग्रहण को पोस्टपोन करने की परमिशन ली थी और कहा था कि उन्हें शादी की इजाज़त दी और कहा था कि उन्हें शादी की इजाज़त दी जाए। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने शादी कर ली थी और संसद पहुंचने के 2 घंटे पहले ही उन्होंने गृह प्रवेश किया था और उनके पास इतना वक्त नहीं था कि दोबारा तैयार हो पाती, इसलिए वो जिन कपड़ों में थी उन्हीं कपड़ों में तुरंत फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। नुसरत ने यह भी कहा कि उन्हें ये लगा नहीं था कि उन्हें इस वजह से ट्रोल किया जाएगा। उनका कहना है कि मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, मैं चूड़ा पहनूं सिंदूर लगाऊं, मैं सबसे पहले एक भारतीय हूं और मेरे पति मेरी संस्कृति का सम्मान करते हैं। शपथ के दौरान नुसरत ने स्पीकर के पैर भी छुए थे, इसको लेकर भी उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। इस पर भी नुसरत ने कहा कि मैंने हमेशा यही सीखा है कि अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और वो मुझसे बड़े थे इसलिए मैंने उनका आशीर्वाद ले लिया, लेकिन लोगों ने इस बात पर भी मुझे ट्रोल किया। पिछले महीने की 19 तारीख को नुसरत जहां ने कोलकाता के बिजनेसमैन निखिल जैन से तुर्की में शादी की थी और दोनों की शादी की खबरें मीडिया में छाई हुई थी। नुसरत बंगाली एक्ट्रेस हैं और अब वो कोलकाता के बिजनेसमैन निखिल जैन की पत्नी बन चुकी हैं। नुसरत जहां को उनके पहनावे को लेकर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा था और एक समुदाय ने इस पर काफ़ी सारा बखेड़ा भी खड़ा किया था, लेकिन नुसरत जहां ने इन सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कह दिया था कि मैं सबसे पहले भारतीय हूं और मैं अपनी परंपराओं का सम्मान करती हूं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये सारी बातें सामने रखी कि आखिरकार वो इस पहनावे में संसद क्यों पहुंची थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।